एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। और ये देखो, हमने इस क्लिफ पे हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक छोटा सा डायनासोर आया था, उसने मुझ पे हमला करा और वो नीचे कूद गया, और ये सभी की सभी उसके पीछे यहाँ से नीचे कूद गए थे सारे डायनासोर। अब इसको देखो, इधर ही घुसना आएगा, इसलिए मैंने फेंस बनाई है ताकि इसको कूद के उस तरफ ना जा सके। मुझे थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको। स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाया है, स्टोन का फाउंडेशन लगाया है मैंने वहाँ तक, और यहाँ पर थोड़ा सा हम और चीज़ें करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी और ऊंची करूँ एक रेलिंग इसको, ताकि अच्छे से यहाँ पर ये सुरक्षित प्लेटफॉर्म बन जाए हमारा, और यहाँ से हमको नीचे बहुत मस्त नज़ारा भी दिखता है। नाइस, खड़े होके मैंने यहाँ से पूरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म लगाया है, यहाँ पर स्टोन रेलिंग लगाई है ताकि हम नीचे ना गिरे, और हमारे डायनोज जो है वो भी यहाँ पर रहे। और इसको देखो, ये मॉस चॉप को इधर ही घुसना है, इधर मुझे लगाना है। मेरे पास स्टोन्स ख़त्म हो गए थे तो मैं करूँगा, पर आज हम थेरीजिनोसॉर को टेम करने वाले हैं। वो रहा, 4 लेवल का है, तो उसके लिए इसका अनकॉन्शियस लेवल बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाता है, और इसको टेम करने का लेवल 4 का है, तो हम इजीली इसको कम एरोज में नीचे गिरा देंगे, पर वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। और मुझे किबल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके रखे हैं। मेरी दूसरी बेस पे मेरे पास एक ब्रॉन्टो, 2 ब्रॉन्टो एग, एक जैगेंटोसॉरस का एग और रेयर फ्लावर और चिली, ये तो मैंने बना ली थी। ये मुझे मिला था बीवर डैम में से, ठीक है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो ये निकाल लेता हूँ ताकि हम किबल बना सकें, एक्सेप्शनल किबल। और कुकिंग पॉट मैंने अभी लगाया नहीं, कुकिंग पॉट है मेरे पास। ओके, तो और क्या चाहिए, और थोड़ा सा फाइबर चाहिए मुझे, फाइबर, ये ठीक है, देन बस एग, फाइबर, चिली फ्लावर, मैजोबेरी चाहिए। हाँ, मैजोबेरीज हमारे पास होगी, इनमें से किसी के पास होगी, एक के पास, ये रही 10 मैजोबेरीज, थैंक यू। ओके, तो मैं कुकिंग पॉट प्लेस करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ मैं इसे, नहीं यहाँ लगाते हैं। नाइस, और इसमें हम डालते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, मैं पहले एक एक करके डालूँ इसमें तो सही रहेगा। ट्रांसफ़र स्प्लिट 1 इसको डालूँ, इसको हमें डालना है 5 फाइबर चाहिए, देन 1 फ्लावर आई गेस, यस 1 फ्लावर, स्प्लिट 1 इसको ट्रांसफ़र करो, इसे भी स्प्लिट 1 इसे ट्रांसफ़र करो, देन मैजोबेरीज हमें चाहिए है 10 मैजोबेरीज। और अब मुझे वाटर स्किन में पानी भर के लेकर आना पड़ेगा, और क्या चाहिए इसमें, फाइबर नहीं कराना ट्रांसफ़र, हाँ फाइबर करो, देन मैजोबेरीज कर दी है, वाटर स्किन में पानी लेकर आता हूँ मैं, देन लास्ट रहेगा हमारा वुड तो हम ले आएंगे। ओके, नीचे चलते हैं, हमारा न्यू फ्लायर, ब्रांड न्यू फ्लायर टापीहारा। ओ क्या बात है, अच्छा ये बंदर है, ओके इसमें आ गया है, बस वो डीस्पॉन ना हो वहां से, वहीं घूम रहा है अभी तो। ओके, वुड है, हाँ वुड है, नाइस। एक्सेस इन्वेंट्री, इसमें डालो वाटर स्किन, और ये अब ये थोड़ी देर में हो जाएगा किबल में कन्वर्ट, जब तक मैं जाता हूँ और देखता हूँ, उसमें नज़र रखता हूँ वो कहीं गायब तो नहीं हो गया। अरे यार प्लीज़, इधर गया वो,
लेट्स गो टैपी बॉय, हमें उसे फाइंड करना है। हाँ घूम रहा है, घूम रहा है, इधर ही है। ये रहा यहाँ पर, बस ये ज़्यादा दूर ना जाए हमसे। मैं 3 किबल बनाऊंगा जस्ट इन केस, 2 चाहिए रहती है इसको टीम करने के लिए, पर मैं 3 बनाने वाला हूँ। कभी गलती से हमें एक और की ज़रूरत पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आहा नाइस, अब मैं वापस डालता हूँ इसको। चलो ये सब डाल देता हूँ मैं, बन जाएगा हमारा मैजो बेरी, देखते हैं अब। ओह वाटर स्किन, वाटर 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 चाहिए, पुट आउट फायर, वाटर चाहिए इसके लिए। सिक सिक बॉय, लेट्स गो। व्हाट, ये प्लेटफॉर्म मैंने बना लिया है तो इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करने वाला हूँ और पीछे बिल्ड थोड़ी सी प्लेटफॉर्म और पीछे ले जाऊँगा और बिल्डिंग्स बना सकूँ मैं उसमें। मेरे पास एक केबल है, इसको ट्रांसफ़र करो लाइट फायर, और इसे हम रखते हैं प्रिजर्विंग बिन में जब तक ये केबल बन रहा है, ताकि इसकी एज और बढ़ जाए। नाइस, मैंने प्रिजर्विंग बिन लगा लिया है, स्मिथि फोर्ज हमारी फर्नेस लगा लिया है, और कुछ तो नहीं चाहिए ना इसमें, नहीं सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कितना टाइम लगता है वो देख रहा है मैं अभी। ओहो नाइस, अब मैं जाइगेंटोसॉरस का भी डाल रहा हूँ इसमें एक, और इसे निकालो। ओ वेट, पानी हमें वापस चाहिए। मेरे को रिजर्वायर बनाना पड़ेगा पानी के लिए, मेरे को बार बार इधर उधर पानी लेने जाना पड़ता है इसलिए। अभी एक दोनों में क्यों घुस गए, एक रिजर्वायर टैंक ऊपर पानी भर का, पानी का पाइप लगा के ऊपर तक लेकर आना पड़ेगा। पर अच्छा लग रहा है देखने में। ओके तो इन्वेंटरी पानी डालो इसमें, नाइस। अब ये बन जाएगा, सब है और सब है, ठीक है। तो हमारा लास्ट केबल आ जाएगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे नार्कोटिक पेस्ट चाहिए। कितना है हमारे पास, इसमें रखा होगा काफ़ी है, तो मैं इसको इसमें ले लेता हूँ। मुझे कितने चाहिए, 10 लेके जाता हूँ। ओके 10 देखते हैं काफ़ी रहते हैं कि नहीं हमारे लिए। किकिंग पॉट मेरे पास 2 थे क्या, और इसे भी इसमें रखो, ठीक है। तो इसको नार्को खिलाना पड़ता है, नार्कोटिक खिलाना पड़ता है ताकि जल्दी जल्दी ये टेम हो, इसलिए बन गया हमारा एक और केबल। अब इसमें से कुछ निकालना है हमें, ये निकालो, ये भी निकालो ताकि ये वेस्ट ना हो, और इन्हें हम रख देते हैं वापस इसमें। ओके केबल को भी, ओके तो केबल मैं ले लेता हूँ, 2 केबल लेते हैं, एक यहीं छोड़ते हैं अगर हमें लगा तो, फिर हमें क्योंकि इसका बनाना बहुत वो है। अमाउंट स्प्लिट 1, इसको इसमें रखो रिजर्विंग बिन में, ठीक है। चलो चलते हैं, मेरे पास ट्रैंक एरोज हैं और हमें उसको सेफली मारना पड़ेगा, तो मैं पैदल ही जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे मेरे जानवर इससे डैमेज ले, ठीक है। और कुछ चाहिए क्या मुझे, नहीं नार्कोस है, ठीक है। कम ऑन लेट्स गो, क्योंकि अगर उसने मुझे हमला करा
तो मेरे डायनोज उसको मार मार के चटनी बना देंगे, क्योंकि वो बहुत कम लेवल का है। वो रहा होपफुली, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है, तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ ताकि मुझे एनर्जी कम, एनर्जी ज़्यादा वो ना हो। हेलो, ये भागने वाला है मेरे पीछे लपक के। अब मेरे को जगह ढूंढनी पड़ेगी किधर भागू मैं। Whoops, that was a mess. को जंगलों के बीच में ही दौड़ाना पड़ेगा। हो अबे हटो सामने से। ट्रीज के बीच बीच में से निकाल निकाल के ताकि ये टकराते रहे। बस गया, नाइस, ओ बॉय, यस, एक्सेस इन्वेंटरी, फटाफट से किबल डालो इसमें और ये डालो, और मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि अनकॉन्शियस रहे बस, पहले तो इसको अंदर ले लो, हाँ, जॉयंट्स, ए बाप रे, अपनी हेल्थ बढ़ाने का यही फ़ायदा रहता है। मैं खाना खा लूँ, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा ले हमारी। अब इसको कितना टाइम लगता है वो देख रहा है मुझे टेम होने में। इसको नार्कोस खिलाते रहना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले ही इसका पहला किबल खाए फिर, और मैं देख लूँ मेरे पास कोई है तो नहीं ना। नहीं, फिलहाल मैं तो ये ब्रॉन्टो घूम रहा है और कोई नहीं है। और मैं कितनी दूर हूँ मेरे घर से पता नहीं, कहाँ कहाँ दौड़ाया इसने मुझे। ये फर्स्ट किबल खाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना इसको टाइम लगने वाला है, पर मुझे इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। चलो मैं इसे वो खिला देता हूँ। जा रहा है ऊपर लेवल। हाँ, मैजो बेरीज भी खिला सकते हैं, तो मैं ये भी कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अगर मैं को मैजो बेरीज भी मिलती है तो। बस ये खा ले इसका, देखो अनकॉन्शियस लेवल ऊपर जा रहा है। गुड गुड गुड। अगर आपके पास नार्कोज नहीं है तो मैजो बेरीज भी खिला सकते हैं, पर मैजो बेरीज आपको बहुत सारी खिलानी पड़ेगी इसे, कम से कम 20-30 तो खिलानी पड़ेगी, तब जाके ये ऊपर जाएगा। ओ, उधर रैप्टर घूम रहा है एक, शूट्स, खा ले बेटा मूंगफली। अभी तक इसने एक बार भी च्यू नहीं करा। चलो इसका अनकॉन्शियस लेवल ऊपर तो गया है।
मुझे और नार्कोस लेकर आने पड़ेंगे, मुझे घर का रास्ता देखना किस तरफ है मेरा घर का रास्ता। हाँ इस तरफ ही है, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अभी तक इसने खाया नहीं एक बार भी, मुझे लग रहा है इसको और केबल लेकर आनी पड़ेगी, मुझे नार्कोस लेकर आना पड़ता है पड़ेगा, तो मैं फटाफट जाता हूँ नार्कोस लेकर आता हूँ। ये बहुत अच्छा डायनो है, बहुत ही अच्छा डायनो है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं। ये बहुत सारा रिसोर्स गैदरिंग में बहुत अच्छा है, बेरीज थैच वुड सब कलेक्ट करता है, रॉक्स को छोड़ के आई गेस, रॉक्स मेटल्स क्रिस्टल्स इनको छोड़ के सब गैदर करता है। नार्को 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 किधर है, सारा दे दो मुझे, और वो केबल भी लेके जाता हूँ मैं जस्ट इन केस हमें काम पड़ जाए। ओके नाइस थैंक यू, अब इसे प्यास लगने लग गई है, वाह। मुझे नीचे जाके पानी पी के फिर उसके पास जाना पड़ेगा अब। तो केबल जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़्यादा बेरीज नहीं लगती है, टाइम भी कम लगता है अगर केबल में। हमने जैगेंटो सबसे फर्स्ट जो है वो हमारे लुई को टेम करा था, जैगेंटो पिथिकिस को, एक केबल में ही काम हो गया था, और जैसे ही हमने उसको खिलाया वैसे ही वो टेम हो गया था। ओह खड़ा हो गया ये तो, क्या बात है, नाइस बॉय टेम हो गया। और कितनी केबल खाई है देखें इसने, अगर एक ही खाई होगी तो ओए, यू फॉलो मी, इसके पीछे बोआ आ रहा है, भागो 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 भागो, इस तरफ आ जाओ तुम सीधे, अभी तुम्हारा लेवल कम है, हेल्थ भी कम होगी, इसलिए हम बोआ से फाइट नहीं लेना चाहेंगे, बोआ से हमारे लुई और हाँ ये थियोसॉरस किधर से आ गया उधर एक और, चला हम इधर इसको लेकर आ रहे और इधर फाइटिंग चल रही है ज़बरदस्त वाली, मार डालेंगे वैसे तो उसको वो, नाइस योर लू हेड स्किल्ड 60 लेवल का था वो। एक्सेस इन्वेंट्री, ओ एक केबल नहीं खाई, ओ हो हो क्या बात है, देखो उसके पास वुड थैच और हमें और वुड मिला है, गुड कम ऑन। इधर फाइट चल रही थी, ये तुम्हारे नए दोस्त हैं, ओके सो बी नाइस, दिस इज हाई से हाई, एंड दिस इज टपलू आवर न्यू टैपिहारा, and this is Louis the giant ape. Louis how are you, tumko zyada maar pit gayi, good good, chalo now come here, where's pocket, and there's pocket our old pal, and this is Dodiocrus the stone collector, and you will be staying here for the day, okay stop here, thank you, you want some food eat this, I'll be back okay, to inko hum wapas gather karte hain is taraf, are ha thiosaurus se mujhe samaan nikalna padega, mujhe yahan par fencing karni padegi, wall karni padegi, nahi to aise बहुत सारे डायनोज हमारे इधर घूमते रहेंगे। ओके ये देखो इसको बहुत ये लड़ रहा था क्या सबसे ज़्यादा, ड्यूडोक्रस को तो पता भी नहीं चला था कि फाइट चल रही है। ओके तो हम इसमें से गैदर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कौन सा है जानवर, इसका क्या यूज़ है, एक्सेस इन्वेंट्री कुछ नहीं है, लुई के इन्वेंट्री में गया होगा ज़्यादातर, तो कुछ मिला नहीं, हाइड मिली है बस, 60 लेवल का था ये, गुड। ए कम ऑन हाय मूव ओवर, इसको मैं इधर खड़ा कराता हूँ लाइक दिस, थैंक यू
ओके तो इसका हम मेले डैमेज, हेल्थ तो इसकी ठीक है, 1000 की है। और किसका लेवल अप हुआ है? इसका भी हुआ है। और टैपी आरा का, इसका हेल्थ बढ़ा रहा हूँ अभी मैं, हेल्थ स्टैमिना ठीक है इसका अभी। लुई, हाँ देखो इसके पास ये क्लॉ मिले हैं, तेरेजिनों के मारते हैं तो आपको ये क्लॉ मिलते हैं ट्रॉफी जैसे, ट्रॉफी के लिए। और ओ ये क्या है, नोट्स ऑन रॉकवेल्स रेसिपी, नाइस। एरोस्ट, गुड गुड गुड। फाइबर, हमें थोड़ी सी बेरीज दे दो क्योंकि नया फ्रेंड जो आया है थियो, इसका नाम थियो रखते हैं फिर, मैं इसको हम आपसे थियो ही बुलाएंगे। हेलो थियो। ओ उसके पास ये अपने आप कैसे आ जाता है? अच्छा इसका इसका पैसिव गैदरिंग भी है, ओके पैसिव गैदरिंग है इसका, रिसोर्स गैदर करता है पैसिवली। वाओ ये देखो, इसने पहले गैदर करे थे फिर वापस आ गए, क्या बात है, गुड बॉय। चलो मुझे अब इसके लिए सैडल बनाना पड़ेगा, इसको रखो, रॉकल्स नोट बाद में पढ़ेंगे हम। और ये इसको ड्रॉप कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन इसको भी, अब मुझे इसकी वो देखनी पड़ेगी, टी एच ई 40 पॉइंट की है, 555 मेटल्स, 285, चलो हो जाएगा, इतने रिसोर्सेस हमारे पास है, क्राफ्ट करते हैं। हाँ स्मिथी में क्राफ्ट करना पड़ेगा, मेटल हमारे पास 50 है कि नहीं, 3 मेटल्स ही है, कोई नहीं हम लेके आ जाएंगे, इसमें 32 है, तो हमें सिर्फ कितने चाहिए, 15 मेटल्स और चाहिए। और हाइट देखें पूरी कितनी है हमारे पास, हाइड। ये बहुत अच्छा है, अगर ये हमारी टीम में है तो बहुत ही वैल्यूबल है ये हमारे लिए। थियो ओके, ये आ गया, ये टी एच ई थियोसिनोसॉरस, ये वाली है इसकी। ओके तो इसमें मेटल चाहिए, वुड है, फाइबर भी है, फाइबर वुड एंड दैट्स इट। आ गई ये रही। हाँ अब हमें सिर्फ 15 मेटल चाहिए, तो हम मेटल लेकर आते हैं, हमारे न्यू फ्लायर के साथ जाएंगे। कहाँ गया ये रहा टैपी टपलू, और यहाँ इसका नाम रखा था, इसका नाम नहीं रखा अभी हमने, लेट्स नेम हिम, ऑप्शंस चेंज नेम, थियो THEO थियो अलाउ। इसका मुझे मेले डैमेज ही बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डैमेज इसका बहुत सुपर है, तो वेट इसका डिसेंट है, स्टैमिना भी डिसेंट है, हेल्थ तो अच्छी है, मेले डैमेज कम है और मूवमेंट स्पीड भी कम है शायद इसकी, अब वो हमें इसके सैडल पहनाने के बाद पता चलेगा। ठीक है तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो स्टोन दिख रहा है ना आपको, ये वाले स्टोन से एक वॉल बनाऊँगा, ठीक है, और ये हमारी टेरिटरी रहेगी, इसके अंदर हमारे सारे डायनोज रहने वाले हैं। और फ्लायर्स जो है, फ्लायर्स के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, जैसा ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये वाला बनाया, यहाँ पर हमारे फ्लायर्स रहेंगे, तो हम उस पर बैठ के फटाफट इधर उधर जा सकते हैं और वहाँ पर उनको लैंड कराएंगे, फिर वहीं से बैठ के जाएंगे। बहुत रिसोर्सेस लगते हैं, हमारा डियोडोक्रस काम आ रहा है, आई एम स्टार्विंग, ईट समथिंग। चलो मैं मेटल लेकर आता हूँ, फिर यहीं मिलता हूँ आपसे। ओके तो हम मेटल लेकर आ गए हैं, और फर्नेस में हमारे पास 19 मेटल भी आ गए, और फटाफट से अब हम बनाते हैं हमारा, कहाँ गया, कहाँ गई इसकी शेडल, अरे क्या चाहिए, और मैंने काहे में रखा, 54 कितनी चाहिए, कहाँ गई इसकी शेडल, ये रही 55 चाहिए, एक और चाहिए, ओह मुझे लगा अच्छा 50 चाहिए थी। ओकी डोकीश ये आ गई, और हमारी थियो की सैडल तैयार हो रही है,
और इसका एक और ऑप्शन आया, मैं अभी उसका लेवल अप कर रहा था तब मैंने देखा वो चीज़ कि इसको हम सैडल पहनाते हैं। इसका कलर भी मेरे को पसंद आया, काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये रही तुम्हारी सैडल, नाइस, क्या बात है, सही लग रहा है। मुझे इसको दौड़ लगवानी पड़ेगी थोड़ी सी ताकि इसका लेवल अप हो। और हार्वेस्टिंग का कुछ है सेटिंग्स, ठीक है, स्पीड ठीक है, जंप करता है क्या ये। और इसकी पता है अलग अलग चीज़ें हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। सी से ये इसका स्लैश अटैक है, और राइट क्लिक से ये फाइबर कलेक्ट करता है या बेरीज कलेक्ट करता है, नहीं फाइबर कलेक्ट करता है, हाँ सी से फाइबर कलेक्ट करता है, ये देखो सिर्फ फाइबर कलेक्ट करता है, और राइट क्लिक से सॉरी, और सी दबाते ना तो सी से शायद बेरीज कलेक्ट करता है। ये है ना बात, मुझे इसकी ये बात सबसे अच्छी लगी है। देखो वापस दिखाते हैं, मैं सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी से मैं सी दबाऊंगा तो ये नहीं, लेफ़्ट क्लिक करूंगा तो ये अटैक करता है, ऐसे स्लैश अटैक इसका ये है। लेफ़्ट क्लिक से फिर राइट क्लिक से सिर्फ फाइबर चुनता है ये देखो, और हमारे पास फाइबर आता है, और फिर अगर आप सी दबाते हैं तो सी से फिर बेरीज कलेक्ट करता है। रुको ये रहा, मैं सी दबाऊंगा तो इससे बैरीज आती है हमारे पास। और एक इधर ये घूम रहा है डिलोफोसॉरस, इसको मारते हैं स्लैश अटैक से, बैम, नाइस। तो देखो कितना इसने गैदर करा है अभी तक। और ये ऐसे रैंडमली उठाते रहता है चीज़ें, ये देखो इसने बैरीज कलेक्ट करी है, फाइबर 200 कलेक्ट करा है, तो मैं इसका मेला डैमेज बढ़ा दूंगा तो और कलेक्ट कर पाएगा ये। उसके बाद मुझे एक और ऑप्शन है इसमें, व्यू हार्वेस्टिंग लेवल्स 3 अवेलेबल। अब मैं इसमें इसकी वो बढ़ा सकता हूँ, एडिशनल डेलिकेट हार्वेस्टिंग या एडिशनल पावर हार्वेस्टिंग। तो मैं एडिशनल डेलिकेट हार्वेस्टिंग, एडिशनल पावर हार्वेस्टिंग। ओ क्या बात है, क्या करता है ये लेवल अप करने पर, वाओ। तो ऐसे गॉडज़िला चला रहा हूँ, नाइस। तुम्हारी स्पीड भी उड़ा देंगे तो भी तुम फिर अच्छे से दौड़ लगाने लग जाओगे। अभी इसकी एचपी भी कम है, फाइबर कलेक्ट करना, बैरिस कलेक्ट करना, देखो ऐसे बैरिस कलेक्ट करता, पर बैरिस कलेक्शन इसका भी कम है, और फाइबर तो बहुत अच्छे से कलेक्ट करता है, हर बार अराउंड 100 ऑलमोस्ट 100 कलेक्ट कर ही लेता है ये। 66, नाइस। इसका वेट भी बढ़ाना पड़ेगा, शायद ये वुड भी कलेक्ट करता है, हाँ हम वुड चॉप करके देखते हैं ना पहले, वुड कैसा कलेक्ट करता है। थोड़ा सुखड़ा सा पेड़ ढूंढते, उसको चॉप कराते हैं जो हमारी टेरिटरी से दूर हो, हम नहीं चाहते कि हमारे घर के आसपास पेड़ कम हो। और आप भी ना करें, अगर एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ अगर आप के यहाँ कट रहा है, जो भी काट रहा है किसी भी वजह से, तो उसको बोलना कि 10 पेड़ लगाएं उसके बदले में। ओह इसका स्टैमिना भी कम है, नो स्टैमिना, इसके क्लॉज तो देखो, नाइस। तो पेड़ हमें तोड़ना है, ये वाला तोड़ते हैं, देखें डिसेंट है, व्हाट वुड डेवलप हो गया। जंप है क्या इसकी, जंप नहीं है, जंप नहीं करता ये, स्प्रिंट है। और मैंने देखा है कि ये पानी में भी अच्छा तैर लेता है, गुड थियो बॉय, गुड वन गुड वन। सो यू स्टैंड हियर ओवर हियर सेफली, आई विल लेवल यू अप। मैं हेल्थ तो 1000 हो गई है, पहले डैमेज हम इसका 200 कर देते हैं, और इसका स्टैमिना और वेट बढ़ाना है, वेट इसका कम से कम 500 तो होना चाहिए।
ओके गाइस, तो ये है हमारा थियो जो हमने टेम कर लिया है और हमने हमारी बेस भी बना रहे हैं यहाँ पर। बेस पे भी काम शुरू कर दिया है मैंने। ये देखो, ये हमारे सारे डायनोज हैं, कितने हैं, हाई पॉकेट, टपलू, देन लुई, और उसका नाम क्या रखा था मैंने, उसका नाम भूल गया मैं, डियोडोक्रस का क्या नाम था, और ये है हमारा थियो। तो हमारा बेस बिल्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पर थोड़े से फाउंडेशंस लगा दिए हैं, हमारे डायनो सेफ रहें, और पीछे मुझे एक वॉल बनानी है और इनको इनक्लोज करना है, ठीक है। जैसे जैसे बनती जाएगी अच्छा दिखने लगा गया हमारा बेस। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट डायनो कौन सा पकड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आपको पसंद है ये आर्क और माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखना वो भी हिंदी में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। ओके, सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टाटा।